बच्चों, हम उदाहरण एक हल करने जा रहे हैं। उदाहरण एक में हमें ये दिया हुआ है कि एक रेखाखंड है हमारे पास, और इस दिए हुए रेखाखंड के बराबर एक दूसरे रेखाखंड की रचना हमें करनी है। तो मान लीजिए हम एक रेखाखंड की कल्पना करें यहाँ पर, ये एक रेखाखंड हम खींचते हैं जिनके दो बिंदु निश्चित हैं। मान लीजिए बिंदु ये ए है और इस पूरी रेखा को न ले, हम यहां पर ले एक बिंदु बी यहां ले ले, और ये हमारा ए बी एक रेखाखंड है। इस ए बी रेखाखंड के बराबर हमको एक दूसरे रेखाखंड की रचना करनी है। तो इसके लिए हम एक बिंदु यहाँ लें, मान लीजिए बिंदु x है, x बिंदु है, और यहाँ से किरण खींच लें। यह हमने यहाँ पर पेन को रखा और इसे आगे बढ़ा दिया और एक किरण हमने खींच ली। मान लीजिए इसे हम नाम देते हैं y, किरण एक्स वाई। अब हम इस रेखाखंड ए बी के बराबर एक रेखाखंड की रचना यहाँ करने जा रहे हैं, तो हम प्रकार को उपयोग में लें और इसकी नोक बिंदु ए पर रखें और इसे इतना फैलाएं कि वो इसका दूसरा सिरा बी तक आ जाए। यानी हमने प्रकार को इतना फैलाया कि इसका फैलाव ए बी के बराबर हो गया, माने ये जो त्रिज्या हमें मिल रही है वो ए बी के बराबर मिल रही है। अब इसको वैसे का वैसे उठा के इसकी नोक हम बिंदु एक्स पर रखें और जो त्रिज्या हमने प्राप्त की है उसी के माप को यहाँ पर अंकित करें, एक चाप काटें यहाँ पर। तो देखिए, ये जो चाप हम काट रहे हैं उसकी लंबाई ठीक उतनी है जितनी ए बी की है। तो मान लीजिए इस बिंदु को हम नाम दे दें जेड, तो जो जेड होगा वो एक्स के सापेक्ष उतनी दूरी पर होगा जितना बी ए के सापेक्ष है। यानी एक्स जेड जो रेखाखंड है उसकी लंबाई ए बी के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि रेखाखंड रेखाखंड ए बी बराबर रेखाखंड एक्स जेड। तो इस तरह से हमने दिए हुए रेखाखंड ए बी के बराबर एक दूसरे रेखाखंड एक्स जेड की रचना कर ली। और यदि प्रूफ करने की बात होगी तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिज्या हमने ए बी की ली है, जो लंबाई ए बी के लिए हमने ली है, ठीक उसी लंबाई के बराबर हमने यहाँ पर भी लंबाई ली है, इसलिए ये दोनों रेखाखंड आपस में एक दूसरे के बराबर हैं।